नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों आज हम बात करेंगे जीवन शैली संबंधित रोगों के बारे में पहले भी हम इसके बारे में कुछ चर्चा कर चुके हैं और कुछ रोगों के बारे में जान चुके हैं जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज और उच्च रक्तचाप के बारे में बाकी बचे हुए रोगों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आइए जानते हैं सबसे पहले हम पक्षाघात के बारे में जानेंगे कि पक्षाघात क्या है पक्षाघात जिसे हम स्ट्रोक भी बोलते हैं कि जब अचानक मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त आपूर्ति रुक जाती है या मस्तिष्क की कोई रक्तवाहिका फट जाती है और मस्तिष्क की कोशिकाओं के आसपास की जगह में खून भर जाता है तो पक्षाघात की स्थिति होती है अर्थात अगर मस्तिष्क के किसी एक हिस्से में रक्त की आपूर्ति ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है या फिर वहाँ पर कोई रक्त वाहिका फट जाती है हेमरेज हो जाता है तो जो मस्तिष्क के सेल्स हैं जो कोशिकाएं हैं उनके आसपास रक्त इकट्ठा हो जाता है उस समय पर स्ट्रोक की या पक्षाघात की स्थिति उत्पन्न होती है इसे हम मस्तिष्क का दौरा भी कहते हैं इसके संभावित सहायक कारक कौन से हैं आइए जानते हैं उच्च रक्तचाप धूम्रपान मद्यपान मोटापा कोरोनरी धमनी रोग मधुमेह अधिक लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग या सिर पर कोई चोट लगना ये सब इसके संभावित सहायक कारक हो सकते हैं कि जैसा हमने पिछली बार जाना था कि उच्च रक्तचाप में क्योंकि धमनियों में दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वह फट सकती हैं तो यह है एक सबसे मेन कारण इसका रहता है प्रमुख कारण है कि जो स्ट्रोक है आपका पक्षाघात होने का सबसे ज़्यादा संभावित सहायक कारक उच्च रक्तचाप होता है धूम्रपान की वजह से जो आपकी धमनियाँ होती हैं वो बहुत कड़ी हो जाती हैं एथेरोसक्लोरोसिस जो हमने पीछे पढ़ा था कि कोरोनरी धमनी रोग हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपका यह शोक होने के जो चांसेस हैं वह रहते हैं मोटापा अपने आप में भी एक रोग है और यह दूसरे रोगों को भी उत्पन्न करता है तो इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कोरोनरी धमनी रोग ये तो हम सब जानी गए हैं कि इसमें रक्त सप्लाई जो है आपकी जो ब्लड सप्लाई है वह बहुत बाधित होती है जिसकी वजह से मस्तिष्क हो या कोई और हृदय हो तो उसमें वहाँ पर आपको ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाती है मधुमेह है यह भी अपने आप में एक रोग है और बहुत सारे रोगों का कारण बनता है या किसी आ, कोई महिला अधिक लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करती है तो वह भी आ, कारक हो सकता है क्योंकि वह उच्च रक्तचाप को भी बढ़ावा देता है और आपकी जो कोरोनरी धमनी रोग है उसको भी बनाता है यदि किसी व्यक्ति के सिर पर चोट लग जाती है तो यह भी एक कारण इसका हो सकता है तो ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी के सिर पर चोट लगती है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाकर उसका सिटी वगैरह जैसे भी डॉक्टर एडवाइस करे उसे लगता है तो करवाना चाहिए आइए जानते हैं कि अगर किसी को पक्षाघात होता है तो उसके लक्षण क्या हैं आकस्मिक स्तब्धता या कमजोरी खासतौर से शरीर के किसी एक हिस्से में अगर किसी व्यक्ति को एकदम से आ, एकदम से स्तब्धता आ जाती है या कमज़ोरी आ जाती है शरीर के किसी एक हिस्से में तो यह पक्षाघात का लक्षण हो सकता है आकस्मिक उलझन या बोलने में किसी की कही बात समझने में दिक्कत होना अगर किसी व्यक्ति को एकदम से उलझन सी हो गई है उसको बोलने में या किसी की बात समझने में दिक्कत हो रही है तो यह भी इसका एक लक्षण हो सकता है एक या दोनों आँखों से देखने में आकस्मिक तकलीफ अगर किसी व्यक्ति को एक ही एक आंख से या दोनों आँखों से देखने में दिक्कत आ रही है जैसे हमने पीछे जाना था अगर उसकी जो दृष्टि है जो विजन है वो धुंधली हो गई है या अगर उसको एक के दो दिखाई दे रहे हैं तो यह सब चीज़ें या आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है आधा नहीं दिखाई दे रहा है तो यह सब एक पक्षाघात का लक्षण हो सकता है अचानक सामंजस्य का भाव अगर व्यक्ति ठीक से उसके जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वह बिगड़ जाता है वह गिर गया है या उसे कुछ और चीज़ें अचानक से उसके जो कंट्रोल में नहीं है अगर हम उसको हाथ उठाने के लिए कहें वह उठा नहीं पा रहा है या कोई चीज़ उसके हाथ में थी वह गिर गई है तो यह सब उसका एक लक्षण हो सकता है और एक है बिना किसी ज्ञात कारण के अचानक व्यक्ति को सर दर्द या चक्कर आना यह सब इसके प्रमुख लक्षण हैं जिनको कि हमें ध्यान देना चाहिए इसकी रोकथाम कैसे करें वही जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये जीवन शैली संबंधित रोग हैं तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि आहार परिवर्तन करें अगर उसका कोई आहार ऐसा है जिसमें अधिक वसा युक्त है और उसका जो जीवन शैली है उसके हिसाब से उसका फिज़िकल वर्क बहुत कम है उसकी लाइफ बहुत सीडेंट्री है उसको बहुत अधिक मेहनत का कार्य नहीं करना है तो वह अपने वसायुक्त जो अधिक चिकनाई वाला खाना है वह ना खाए आ, हरे साग सब्जियाँ ताज़े फल उन पर ज़्यादा ध्यान दें नियमित जीवन शैली अपनाएं कि सुबह टाइम से उठे जल्दी उठे और रात को जल्दी से सो जाए अपना खाना टाइम से खा ले तो ये सब चीज़ें देखनी है साथ में इस रोग का कारण क्योंकि मेन उच्च रक्तचाप है तो उस पर भी ध्यान हमें देना चाहिए कि जो व्यक्ति है अगर उच्च रक्तचाप से ग्रसित है या मधुमेह उसको हुआ हुआ है तो वह अपनी आहार शैली को बदलते हुए जीवन शैली को बदलते हुए साथ में अगर उनकी दवाइयाँ चल रही है तो उनको ले अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता है कि वह उच्च रक्तचाप से ग्रसित है तो वह डॉक्टर को दिखाए और उससे संबंधित उसका इलाज करवाए आ, इसमें फिर हमें योग है नियम नियमित व्यायाम है वजन को नियंत्रित करना धूम्रपान मद्यपान पर अंकुश लगाना ये सब इसके रोकथाम के मुख्य विचार हैं कि जो हमें करने चाहिए आइए अब जानते हैं मधुमेह के बारे में डायबिटीज़ कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि जिसमें हमारा शारीरिक श्रम नहीं बचा है हम बहुत ज़्यादा विलासतापूर्ण जीवन जी रहे हैं जिसमें हमारा भागदौड़ बहुत कम हो गई है हम ज़्यादातर सारे काम घर पे बैठे बैठे करना चाहते हैं इंटरनेट का टाइम है तो जो हम पहले थोड़ा बहुत बाज़ार घूमने जाया करते थे या इधर उधर हम काम करते थे या हम बाज़ार पैदल जाया करते थे तो वो सब हमने अपने को रिप्लेस कर दिया हम नेट से चीज़ें मंगा लेते हैं या फिर हम पैदल चलने से अच्छा स्कूटर बाइक या कार लेके जाना पसंद करते हैं अगर हम ऑफिसज़ में जा रहे हैं तो हम सीढ़ियाँ चढ़ना कम पसंद करते हैं लिफ्ट का प्रयोग या एक्सकलेटर्स का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो शारीरिक श्रम हम पहले करते थे वह नहीं हो पा रहा है तो जो हम कैलोरीज इंटेक करते हैं जो हम शुगर लेते हैं तो वह शरीर में हमारे इकट्ठा होता जाता है और जिसकी वजह से हम मधुमेह से ग्रसित हो सकते हैं ना केवल मधुमेह से बाकी अन्य रोगों से भी हम ग्रसित हो सकते हैं लेकिन अभी हम चर्चा मधुमेह की करते हैं आइए जानते हैं मधुमेह के बारे में मधुमेह यह चय अपचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक उच्च रक्त शर्करा का स्तर होता है सामान्यतः रक्त में शर्करा के उच्च स्तर को मधुमेह कहते हैं यह एक आपकी मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें आपका लंबे समय तक जो रक्त शर्करा है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है आपका हाई लेवल पर रहता है जिसकी वजह से आपके शरीर में ग्लूकोज का जो लेवल है वह बढ़ जाता है तो इसलिए रक्त में यदि शर्करा का उच्च स्तर है तो उसको हम आम भाषा में मधुमेह कहते हैं इसका वर्गीकरण देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है कैसे कैसे होता है सबसे पहला है इंसुलिन आश्रित मधुमेह जिसे हम टाइप वन बोलते हैं इस वर्ग में किसी भी कारणवश अग्नाशय अर्थात जो आपका पेनक्रियाज है वहाँ से पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है इस रूप को किशोर मधुमेह अर्थात जुवेनाइल डायबिटीज़ के रूप में भी जाना जाता है और इसका कारण अज्ञात है तो जो हमारा पहला टाइप वन जिसे हम बोल रहे हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है आपका कि इसमें किसी भी कारणवश जो आपका पेनक्रियाज है वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर किशोर जो जुवेनाइल है बच्चे हैं उनमें पाया जाता है तो इसलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं लेकिन इसका कारण आज तक नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है तो इसलिए इसके बारे में हम इतना ही इसका हम ये कहते हैं कि जुवेनल डायबिटीज़ है इंसुलिन अनाश्रित मधुमेह अर्थात नॉन इंसुल इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप टू इस वर्ग में अग्नाशय से पर्याप्त इंसुलिन निकलता है लेकिन वह ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता या तो कोशिकाओं के स्तर पे कोई दिक्कत होती है कि वहाँ पर उनको जो इंसुलिन है उसको करने के लिए इंजाइम ठीक से नहीं है तो इंसुलिन तो निकल रहा है लेकिन जो हमारी कोशिका है उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं इसलिए इसे हम इंसुलिन अनाश्रित मधुमेह कहते हैं क्योंकि इसमें हमें इंसुलिन का प्रयोग नहीं करना पड़ता है जहाँ पर हम इंसुलिन आश्रित मधुमेह बोल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हमें वहाँ पर पेशेंट को इंसुलिन देना पड़ रहा है बाहर से इंसुलिन देना पड़ रहा है जिससे कि वह शुगर का जो पाचन जो उसका मेटाबोलिज्म है वो अच्छे से कर सके तीसरा क्लासिफिकेशन है गर्भावधि मधुमेह जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं जब मधुमेह के पिछले इतिहास के बिना गर्भवती महिलाओं को उच्च रक्तरा शर्करा के स्तर का विकास होता है कि अर्थात जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें पहले कोई मधुमेह का इतिहास नहीं था लेकिन गर्भधारण के बाद उन महिलाओं में रक्त शर्करा का उच्च स्तर मिल रहा है और वह जो है डिलीवरी के बाद बंद आ, हट जाता है तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ अर्थात गर्भावधि मधुमेह बोलते हैं कई महिलाओं में यह ख़त्म हो जाता है हट जाता है लेकिन कई में कंटिन्यू कर जाता है और चौथा इसका टाइप होता है सेकेंडरी डायबिटीज़ अर्थात कि जो हम मधुमेह का इलाज करने मात्र से ही सही हो सकता है जैसे कुछ दवाइयों को बंद करने से या पिच्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर का इलाज कराने से कई बार क्या होता है कि जो डायबिटीज़ है वो आपके किसी कारण की वजह से जो उसमें सेकेंडरी कारण है अपने आप नहीं हो पा रहा है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन भी ठीक हो रहा है लेकिन आपका फिर भी डायबिटीज़ है कोशिका भी ठीक से उसको कंज्यूम कर पा रही है लेकिन जैसे कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से इंसुल जो हमारा शरीर है उसमें मधुमेह हो जाता है या फिर कभी पिचुट्री ग्लैंड का ट्यूमर हो जाता है तो उसमें भी जो डायबिटीज़ है वह हो जाती है तो यदि हम उसका इलाज कर लेते हैं तो हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं कि उसमें डायबिटीज़ जो है वह ठीक हो गई है तो इसलिए हम इसको सेकेंडरी डायबिटीज़ बोलते हैं आइए अब जानते हैं मधुमेह के लक्षण कि हम कैसे बताएंगे कि किसी को मधुमेह ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मधुमेह के लक्षण क्या हैं ये बहुत सिंपल से आपको दिख सकते हैं जिस पे अगर हम ध्यान दें तो हम मधुमेह होने से बचा सकते हैं या बच सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक प्यास लगे अत्यधिक भूख लगे अत्यधिक मात्रा में आए वज़न कम हो जल्दी थक जाना और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चोट या घाव अगर किसी व्यक्ति में लगती है होती है उसको तो उसका देर से भरना यह सब मधुमेह के प्रमुख लक्षण हैं यदि किसी व्यक्ति को बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और वह थोड़ी थोड़ी देर में पानी पी रहा है तो यह मधुमेह का एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है और अगर किसी व्यक्ति को भूख लग रही है बहुत थोड़े थोड़े दिन में तो मधुमेह का कारण भी हो सकता है और अन्य कारणों से भी हो सकता है लेकिन अगर आपको ये तीन लक्षण में से दो भी अगर मिलते हैं किसी में कि अत्यधिक प्यास है अत्यधिक भूख है और अत्यधिक मूत्र होना बार बार उसे मूत्र त्याग करने के लिए जाना पड़ता है या फिर सोते समय उसको रात में उठ के जाना पड़ता है एक या दो बारी तो यह भी मधुमेह का लक्षण हो सकता है यदि किसी व्यक्ति का एकदम से अचानक से वजन कम होता है तो यह मधुमेह का लक्षण भी हो सकता है और अन्य किसी रोग का लक्षण भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर मधुमेह के जो कारण है लक्षण है उसमें यह देखा जाता है अगर किसी को व्यक्ति को बहुत जल्दी थकावट हो जाती है तो यह भी मधुमेह का लक्षण हो सकता है और जो हम सबसे ज़्यादा नोट करते हैं किसी व्यक्ति में कि मधुमेह हो गया है तो वह यह है कि अगर उसकी चोट या उसका कोई घाव बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है जैसे हमें पता है कि चोट या ये छोटी सी चोट है एक या दो दिन में भर जाएगी लेकिन उस व्यक्ति में वह चोट तीन या चार दिन पाँच दिन सात दिन हो जाता है हम बोलते छोटी सी चोट थी अब तक भरने में नहीं आ रही है या छोटा सा घाव था भरने में नहीं आ रहा है तो यह मधुमेह का लक्षण हो सकता है तो तुरंत उस व्यक्ति को आपको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए उसका शुगर चेक कराना चाहिए और तुरंत उसका उपचार शुरू कर देना चाहिए रोकथाम कैसे करेंगे हम इसकी यही जो हम आपको उपाय बता रहे हैं कि क्योंकि ये सारे जीवन शैली संबंधित रोग हैं आपके कि आपके जो आहार विहार में परिवर्तन आया है आपके रहन सहन में जो परिवर्तन आया है कि आपका शारीरिक श्रम खत्म हो गया है आपका जो खाना पीना पहले था जो पौष्टिक खाना था आप उसकी जगह जंक फूड ने ले लिया है या फ्रोज़न फूड्स ने ले लिया है प्रोसेस फूड्स ने ले लिया है कि रेडी टू ईट फूड्स जो मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं कि आपने सिर्फ पानी उबाला उसमें पैकेट डाला और आपका खाना तैयार हो गया बच्चे जो हैं वो जंक फूड खाना पिज़ा बर्गर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं या नूडल्स है, जो already processed foods हैं जो कि ऑलरेडी प्रोसेस्ड फूड्स हैं क्योंकि इनमें बहुत केमिकल्स का यूज़ होता है बहुत सारे केमिकल्स हैं या आपके प्रिजर्वेटिवस यूज़ होते हैं जो कि शरीर के लिए नुकसान कारक होते हैं नुकसानदायक होते हैं तो उन सब का प्रयोग होता है तो इन सब चीज़ों से अगर हम बचते हैं तो हम इन रोगों से भी बच सकते हैं तो इसलिए आहार परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि और दूसरा मधुमेह में क्योंकि शुगर का स्तर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसलिए जो शुगर का पेशेंट है जो मधुमेह का पेशेंट है उसको कम मात्रा में शुगर का प्रयोग कराना चाहिए करना चाहिए मीठी चीज़ों का परहेज़ जो कि सफ़ेद चीनी जैसे हम बोलते हैं सफ़ेद जो मीठा होता है चीनी हो गई इसका प्रयोग कम से कम होना चाहिए नियमित रूप से योग या व्यायाम करना चाहिए वजन को अपने नियंत्रित रखें अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान या मद्यपान करता है तो उसको वह बंद कर दे आइए अब जानते हैं मोटापा के बारे में ओबेसिटी कि यह क्या है और कैसे होता है मोटापा मोटापा मनुष्य के शरीर की एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में वसा जमा हो जाती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है मोटापे को विभिन्न तरीकों से मापा जाता है लेकिन सबसे आम तरीके बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम बी कहते हैं और कमर परिधि वेस्ट सरकमफ्रेंस हैं कि जो मोटापा है एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में फैट आपका डिपॉजिट होने लगता है कि शरीर के किसी भी हिस्से में आ, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके एबडेमिन के आसपास या हिप्स में फैट बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उनको स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव होता है और बहुत सी बीमारियाँ लग जाती हैं तो इसलिए मोटापा से हमें अपने आप को बचाना है मोटापा एक ऐसी समस्या है जिसमें आजकल छोटा बड़ा सब कोई ग्रसित हो रहा है तो पहले ये लगता था कि यह सिर्फ एक शहरी जो लोग हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है कि जो शहर के लोग हैं उनका क्योंकि शारीरिक श्रम कम है वो बैठे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं एसी में ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए उनमें ज़्यादा होता है लेकिन आजकल यह ग्रामीण लोगों में भी पाया जाने लगा है तो मोटापा जो है सबसे ज़्यादा चिंता का विषय हमारे स्वास्थ्य के लिए बनता जा रहा है क्योंकि मोटापा जो है अपने आप में तो एक रोग है ही जैसा हम बार बार बता रहे हैं और ये अन्य रोगों का कारण भी बनता है जिसमें कि उच्च रक्तचाप है मधुमेह है कोरोनरी धमनी रोग हैं या फिर आपका कैंसर बहुत सारे कैंसर जो हैं वो मोटापे के कारण हो सकते हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको ध्यान देना है कि आजकल बच्चे भी जो हैं मोटापे से ग्रसित होते जा रहे हैं तो उनके खाने में परिवर्तन हो गया है जिसकी वजह से वह मोटापे से ग्रसित हैं तो ये सब चीज़ें हमें इसमें जाननी है कि मोटापा अत्यधिक मात्रा में जब शरीर में वसा जमा हो जाती है उस स्थिति को हम मोटापा कहते हैं और हम कैसे किसी व्यक्ति को बताएंगे कि वह मोटा है तो उसके लिए हम बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग करते हैं यह एक माप का तरीका है या फिर हम किसी की वेस्ट सरकमफेरेंस को नापते हैं कि उसकी वेस्ट कितनी है कि जिससे हम बता पाते हैं कि यह व्यक्ति मोटा है आमतौर पर साढ़े अठारह से पच्चीस के बीच में यदि किसी का एम बीएमआई होता है तो उसको हम सामान्य मानते हैं कि वह व्यक्ति ठीक है उसका ओवरवेट या अंडरवेट नहीं है यदि किसी व्यक्ति का बीएमआई एम पच्चीस से तीस के बीच में है तो उसको हम मोटा मोटापा पूर्व स्थिति अर्थात ओवरवेट बोलते हैं और यदि यह बी एम के ऊपर चला जाता है तो शरीर में मोटापे की समस्या उत्पन्न हो जाती है अर्थात हम ये कहते हैं कि यह व्यक्ति जो है मोटापे से ग्रस्त है तो इसलिए हमें बी जो इंडेक्स है उसको हम देख करके कहते हैं कि यह व्यक्ति ठीक है ओवरवेट है या फिर ओबेसिटी या अर्थात मोटापे से ग्रसित है इसके कारण क्या हो सकते हैं आइए जानते हैं कि ऊर्जा के सेवन और उपयोग के बीच असंतुलन अर्थात जितना आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं उतना उसमें और आपके खर्च करने में असंतुलन है इम्बेलेंस है मतलब आप ज़्यादा खा रहे हैं उसके हिसाब से आपका जो आउटपुट है जो आप अपना शरीर श्रम कर रहे हैं कैलोरी जो आपकी बर्न्स हो रही हैं वो बहुत कम है तो ये सबसे प्रमुख कारण इसका मोटापे का बनता है या फिर अधिक चर्बी युक्त आहार का सेवन आप करते हैं जितनी की आपको ज़रूरत नहीं है शरीर को उससे ज़्यादा आप चर्बी युक्त आहार का सेवन कर रहे हैं या फिर आसान जीवन शैली वही हम बार बार बोल रहे हैं कि परिश्रम की कमी अगर आप शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार का तो यह भी मोटापे का कारण बनता है धूम्रपान तनाव किसी किसी व्यक्ति में हार्मोनल असंतुलन जो है वो भी मोटापे का कारण बनता है जैसे किसी व्यक्ति को यदि हाइपोथरज्म है जो उसका थारॉयड ग्लैंड है वह ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है कर रहा है तो उसमें भी व्यक्ति में मोटापा आ सकता है या फिर अनुवांशिक कारण है कि जो हेरिडिटरी किसी आ, परिवार में चला आ रहा है जैसे हम कपूर खानदान में देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं वो मोटापे से ग्रसित हैं तो इस प्रकार से अनुवांशिक भी ये कारण हो सकता है मोटापे के लक्षण क्या हैं सांस फूलना यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा ही परिश्रम करता है श्रम करता है या चलता है तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है तो यह मोटापे का मेन लक्षण है कि थोड़ा सा काम करते ही या थोड़ा सा चलते ही उस व्यक्ति का सांस फूलना शुरू हो जाता है यह खून की कमी के कारण भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर यह जो है सांस फूलना आप तो शरीर को देख करके बता सकते हैं कि यह मोटापे की वजह से हो रहा है उसके पसीने में वृद्धि हो जाती है कि उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है प्रतिदिन बहुत थकान महसूस करना कि थोड़ा सा श्रम करते ही उसे थकावट होने लगती है वह बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता है या सोते समय बहुत तेज़ आवाज़ में खराटे लेना यह भी इसका एक लक्षण है पीठ और जोड़ों में दर्द होना क्योंकि उस उन पर दबाव बहुत अधिक पड़ता है तो इसलिए पीठ और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है इसके साथ में एक बात और यह है कि जब व्यक्ति मोटा होता है तो उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में भी वह कमी का अनुभव करता है क्योंकि उसमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी या फिर जो है आत्मविश्वास में कमी आ जाती है दूसरों को देख करके या दूसरे जब उसे बोलते हैं कि मोटा है तो उसके आत्मविश्वास में और आत्मसम्मान में वह कमी का अनुभव करता है और अकेला रहना चाहता है अकेलापन महसूस करता है तो यह सब इसके लक्षण हो सक हो सक हाँ, हैं क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को देखें अकेलापन महसूस कर रहा है अगर मोटापे के कारण है तो वह डिप्रेशन में या अवसाद की स्थिति में ना जाए ये भी हमें देखना है उसको एक नियमित दिनचर्या का पालन हमें कराना है समझाना है उसके लिए जागरूक करना है मोटापे से होने वाली बीमारियां आइए अब जानते हैं कि मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मोटापा अपने आप में एक रोग तो है ही है साथ में बहुत सी बीमारियों का घर भी है तो जानते हैं कि वह बीमारियाँ कौन कौन सी हैं उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर मोटापे की वजह से हो सकता है हृदय रोग टाइप टू मधुमेह जिसमें कि इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है लेकिन मधुमेह है आघात जो अभी हम पीछे हमने पढ़ा पक्षाघात जो हमें हुआ स्ट्रोक वह भी मोटापे के कारण हो सकता है उच्च कोलेस्ट्रॉल शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो वह मोटापे से होने वाली बीमारियाँ मोटापे में भी हो सकता है गर्भाशय गर्भाशय ग्रीवा अंडाशय एंडोमेट्रियम मलाशय मलद्वार प्रोस्टेट स्तन भोजन नलिका अग्नाशय पित्ताशय की थैली गुर्दा और लीवर इन सब के कैंसर आदि भी मोटापे से हो सकते हैं या पित्ताशय के रोग जैसे पित्त की थैली में पथरी आदि होना यह भी मोटापे के कारण हो सकता है गठिया है जो स्त्रियां हैं या पुरुष हैं उनमें बांझपन और स्त्री में अन्य स्त्री रोग संबंधी जो समस्याएं हैं वे मोटापे से हो सकती हैं क्योंकि अगर कोई स्त्री मोटी है तो उसको गर्भधारण करने में दिक्कतें हो सकती हैं और यदि गर्भ धारण होता है तो आगे बच्चे की जो ग्रोथ होती है या जो उस के प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंजेस आते हैं वज़न बढ़ता है तो उस समय बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है या गैर अल्कोहल वाला चर्बीदार जिगर रोग उन्हें हो सकता है जिसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं कि जो लीवर की बीमारी है वह मोटापे के कारण हो सकती है कि अल्कोहल के बिना भी लीवर जो है जो लीवर होता है उसके ऊपर फैट की एक लेयर आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जो लीवर है वह अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता है और सोने के समय सांस लेने में कठिनाई हो सकती है जैसे आप सोते समय एकदम से आपकी सांस लगेगा कि रुक गई है आपको उठ के बैठना पड़ेगा या तेज़ खराटे जैसे हमने बोला था कि आ सकते हैं इसमें तो ये सब आ, मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां हैं जो कि मोटापे के कारण होती हैं इनकी रोकथाम कैसे करेंगे आहार परिवर्तन जो हमने बताया कि इसमें ऊर्जा का आप जो कैलरीज इनटेक कर रहे हैं आप उसको नियमित उसको कंट्रोल करें कि जितना आपका कैलरी इनटेक है उसके हिसाब से आप उसको कार्य करें उतना ही आप उसका कैलरी बर्न करें तो उसमें आप मोटापे से बच सकते हैं बार बार क्योंकि जीवन शैली संबंधित रोग है तो इसमें आपको अपनी जीवन शैली को बहुत ज़्यादा स्वस्थ बनाना पड़ेगा नियमित करना पड़ेगा क्योंकि आजकल लोगों में यही है कि भूखे रहने के लिए वो भूखे रह लेते हैं कि वज़न कम करने के लिए हम भूखे रहते हैं लेकिन भूखे रहने से वज़न कम नहीं होता है शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए चलाने के लिए क्योंकि यह आपके एक मशीन के जैसे कार्य करता है अगर आप उसमें अगर किसी मशीन की ऑयलिंग नहीं करेंगे या उसको अच्छे से उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वह खराब हो जाती है इसी प्रकार हमारा शरीर भी है यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यह भी खराब हो जाता है वह विभिन्न रूपों में बाहर आता है जैसे मोटापा हो गया मधुमेह हो गया उच्च रक्तचाप शरीर में हो गया तो यह सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि आहार में हमें परिवर्तन करना है जो हम आहार आजकल ले रहे हैं उसमें रसायनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है तो कोशिश ये करें कि हम ऑर्गेनिक फूड अगर हम लेते हैं या जो हम आहार हमारे पास आ रहा है जो फल सब्जियां हैं उसको अच्छे प्रकार से धोकर के जो उस पर आ, रसायन की परत है वह उतर जाए तो उसले, उस तरह से हमें देखना चाहिए कि हम अच्छा आहार लें कि हमारे अंदर कम से कम रसायन केमिकल्स जाएं, जिससे कि हम इन जो हमारे शरीर में रसायनिक परिवर्तन होते हैं या जिनकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं उनको हम दूर कर सकें योग नियमित व्यायाम अगर हम करें वजन को नियंत्रित करने के लिए यही बार बार कि एक्सरसाइज करें नियमित तौर पर करें दूसरा खाने पर ध्यान दें अधिक चर्बी युक्त खाना ना खाएं, अधिक वसा युक्त खाना ना खाएं धूम्रपान और मद्यपान इनको हम बंद करें आइए अब जानते हैं कैंसर के बारे में कैंसर कैंसर शरीर की कोशिका अथवा कोशिकाओं के समूह की असामान्य एवं अव्यवस्थित वृद्धि है जो एक गांठ अथवा ट्यूमर का रूप ले लेती है सभी असामान्य वृद्धि कैंसर नहीं होती भारतीय आबादी को पांच प्रमुख कैंसर प्रभावित करते हैं जिसमें स्तन गर्भाशय ग्रीवा, जिसे हम बच्चेदानी का कैंसर बोलते हैं मुंह, फेफड़े और कोलोरेक्टल कैंसर यह सब आपका जो है आ, कैंसर के प्रकार हैं कैंसर आप हम आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो कैंसर क्या है कैंसर शरीर की कोशिका अथवा कोशिकाओं का समूह जिसमें कि एक असामान्य और अव्यवस्थित अर्थात अनियंत्रित वृद्धि होती है जिसमें जो कि एक गांठ या ट्यूमर का रूप ले लेती है वह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है लेकिन हमारे भारतीय आबादी में पांच प्रमुख प्रकार के कैंसर होते हैं जिसमें स्तन गर्भाशय ग्रीवा का मुख का फेफड़ों का और कोलोरेक्टल कैंसर प्रमुख हैं जैसा आप चित्र में देख सकते हैं कि कौन कौन से कैंसर हैं मुख का फेफड़ों का स्तन का जो स्त्रियां हैं उनमें स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं आजकल अमाशय का कोलोरेक्टल जो बड़ी आंत का आपका है उसका कैंसर है गर्भाशय का है पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि जो है पुरुष ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड उनका कैंसर पाया जाता है आइए अब जानते हैं कैंसर के कारक जो कैंसर किन किन कारणों से हो सकता है सबसे मेन कारण है कार्सिनोजन जो कैंसर पैदा करने वाले कारक हैं जैसे तंबाकू का अधिक सेवन है धूम्रपान सेवन है विकिरण कोई रेडिएशन अगर किसी को हो जाता से मिल हो जाता है तो उसके कारण भी कैंसर हो सकता है या फिर किसी रसायन की वजह से उसको आ, कैंसर हो सकता है या संक्रामक कोई आ, जो वायरस हैं वो भी कैंसर के कारण होते हैं धूम्रपान जिसमें सिगरेट या बीड़ी के सेवन से मुंह गले फेफड़े पेट और मूत्राशय का कैंसर हो सकता है तम्बाकू पान सुपारी पान मसालों एवं गुटकों के सेवन से मुंह, जीभ, खाने की नली पेट गले गुर्दे और अग्नाशय पेनक्रियास का कैंसर हो सकता है शराब के सेवन से श्वास नली भोजन नली जिगर और तालू में कैंसर हो सकता है धीमी आँच व धुएं में पका भोजन जो स्मोक्ड है जो बार्बिक आजकल हम देखते हैं उनमें और अधिक नमक लगाकर संरक्षित किए भोजन या तले हुए भोजन और कम प्राकृतिक रेशों वाले भोजन जैसे रिफाइंड अगर हम यूज़ करते हैं उनके सेवन करने से बड़ी आंतों का कैंसर हो सकता है और इसके अलावा अन्य कार्य क्या हो सकते हैं कुछ रसायन या दवाइयों के सेवन से पेट यकृत और मूत्राशय का कैंसर हो सकता है लगातार और बार बार घाव पैदा करने वाली परिस्थितियों से त्वचा जीभ होंठ गुर्दे पित्ताशय या मूत्राशय का कैंसर हो सकता है जहाँ हम बात करते हैं कि कुछ रसायन हैं दवाइयाँ हैं जो कैंसर कर सकती हैं रसायन स्थिति में हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों के जो रोज़गार ऐसे हैं जहाँ पे उन्हें रोज़ किसी ना किसी रसायन की उसमें आना पड़ता है तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है कुछ जो एक आपके जीविकोपार्जन के जो कार्य हैं उनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है जैसे एस्बेस्टस पहले था उसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर है या सीमेंट की इंडस्ट्री में जो काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बार बार केमिकल्स के उससे गुजरना पड़ता है जहाँ उसमें भी कैंसर का कारण बन सकते हैं कैंसर के लक्षण आप किसी को कैसे बताएंगे कि कैंसर का तुरंत आपको जाँच कराना चाहिए शरीर में किसी भी अंग में घाव या नासूर जो अगर व्रण हो गया जो ना भरे इसमें मधुमेह में भी हो सकता है लेकिन कैंसर का भी एक हमको देख करके चलना चाहिए लंबे समय से शरीर के किसी भी अंग में दर्द रहित गांठ या सूजन ये बहुत ज़रूरी है कि जब किसी भी अंग में दर्द रहित गांठ या सूजन होती है तो व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता है तो वह धीरे धीरे बढ़ कर के ज़्यादा बड़ा हो जाता है और समय निकलने पर ही उसको जब हम देखते हैं तो वह लाइलाज हो चुका होता है तो मनुष्य को व्यक्ति को यह देखना है कि अगर उसके शरीर में लंबे समय से किसी भी अंग में अगर दर्द रहित गांठ या सूजन है तो उसे तुरंत कैंसर की जांच के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए महिलाओं में स्तनों में गांठ होना या किसी प्रकार का उसमें से स्राव होना यह भी कैंसर का लक्षण हो सकता है मल मूत्र उल्टी और थूक में खून आना आवाज़ में बदलाव होना निगलने में दिक्कत मूत्र की सामान्य आदतों में परिवर्तन और लंबे समय तक लगातार खांसी ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं और इन लक्षणों में आइए जानते क्या क्या हैं पहले से बनी गांठ मस्सों व तिल का अचानक तेजी से बढ़ना या रंग में परिवर्तन या पुरानी गांठ के आसपास नई गांठों का उभरना यह बात एक खास तौर से ध्यान देने वाली है अगर किसी के शरीर पर पहले से ही कोई तिल या मस्सा बना हुआ है और अचानक से वह बढ़ जाता है या उसका रंग में परिवर्तन आ जाता है या कोई गांठ पहले से बनी हुई है शरीर में वह बढ़ जाती है या उसके आसपास कोई नई गांठ उभर आती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके कैंसर के लिए जांच करानी चाहिए बिना कारण वज़न घटना कमजोरी आना या खून की कमी होना औरतों में स्तन में गांठ योनि से अस्वाभाविक खून बहना या दो महावारियों के बीच या यौन संबंधों के तुरंत बाद तथा चालीस से 45 वर्ष की उम्र में महावारी बंद हो जाने के बाद खून बहना ये सब कैंसर के प्रमुख लक्षण हैं रोकथाम वही इसके हम रोकथाम बताएंगे कि आहार परिवर्तन स्वस्थ जीवन शैली या दिनचर्या का पालन करना नियमित प्रकार से योग या व्यायाम करना वजन को नियंत्रित करना धूम्रपान और मद्यपान पर अंकुश लगाना क्योंकि ये सब जो रोग अभी हमने पढ़े हैं इसमें ये जीवन शैली से संबंधित रोग हैं और इसके अलावा कुछ जब हम कैंसर के रोकथाम की बात करते हैं तो जो हमने कार्सिनोजेंस पढ़े हैं या कोई हमारा ऐसा जिसके इसमें हम कांटेक्ट में हम आते हैं जिसकी जो कैंसर का कारण बन सकते हैं उन सब चीज़ों से बचाव ये सब हम रोकथाम के उपाय हैं इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए तो आज के चा, इस चैप्टर में हमने आज के इस भाग में हमने जीवन शैली संबंधित रोगों के बारे में पढ़ा जिसमें हमने जाना कि इन सब रोगों के कारण क्या क्या है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं ट्रांसफ़र होता नहीं जाता लेकिन फिर भी इनसे मरने वाले रोगों की जो संख्या है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो इसके लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और हम एक अच्छी आहार विहार की आदतों को अपनाएं जिससे कि हम इन सब रोगों से बच सकें कि जो हमारे शरीर में जिसकी वजह से अधिक वसा के कारण अगर हमारे को कॉर्नरी धमनी रोग हो रहा है या उच्च रक्तचाप हो रहा है तो हम उससे बच सकें तो ये सब हमें चीज़ें इसमें ध्यान देनी है इसी के साथ हम आज यहाँ पर समाप्त करते हैं धन्यवाद